ये तो योगी जी कहेंगे अपनी सत्ता के लिए। मोदी जी के पक्ष में तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हुक्मरान बनने की बात करता है, जो नेता तैयार करने की बात करता है, क्योंकि इन पार्टियों ने आज तक हमसे सिर्फ वोट लिए, कभी हमारे नेताओं को एक्सेप्ट नहीं किया है। जब एक व्यक्ति और एक संगठन किसी दूसरे संगठन के लिए एक ईर्ष्या होती है, वो जो है वो सीधे लोग कर रहे हैं, बहुत ईमानदार लोग और जो संत पुरुष हैं वो कर रहे हैं, ये लोग गंडे में वाले नहीं है। ये तो कि उनको गिरफ्तार कर करके उनके नाम उजागर किए जाएं, अभी तक यही हेडलाइन आ रही है कि 4 संदिग्ध पकड़े गए और वो कार भी बरामद कर ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज, मैं हूं आपके साथ श्री आर्यश्री। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहता है, तो आज एक नया चर्चा और एक नया प्रदर्शन यहां पर हुआ है। यहां आप लोग जैसे जानते हैं कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन पर कल शाम हमला हुआ था, तो वहाँ उनके जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कारण है उनका प्रदर्शन करने का, क्या कुछ उनकी मांगे हैं। सर, आप लोग जैसे कि आपके जो चीफ आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका, चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके ऊपर हमला हुआ है, तो इसको लेके आप लोग क्या कहेंगे? मैडम, हमले की कोई परिभाषा नहीं होती। हमला हमला होता है। हमला जब होता है जब एक व्यक्ति और एक संगठन किसी दूसरे संगठन के लिए एक ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या ये होती है कि वो, एक पुरानी अंग्रेजी में कहावत है, अगर किसी लाइन को छोटा करना है तो उसके सामने बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, भारत एकता मिशन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है एक लंबी लाइन खींचना। लंबी लाइन का मतलब होता है कि हम समाज के उन लोगों को, यानी 85% लोग भारत के अंदर वो बहुजन है। बहुजन का मतलब होता है SC ST OBC और माइनॉरिटी। अगर आप जनसंख्या के आधार पर हम जाएं तो 15% लोग मनुवादी, जिनको कहते हैं ठाकुर वैश, वो ही लोग हैं 15%। बाकी सारे लोग जो है 85% लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर आपको अगर आप आंकड़े उठा कर देखोगे, इस देश के अंदर 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आप इस बात को सुन के शायद आश्चर्यजनक होंगे, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे मैं उसको मानता हूँ जो इनकम टैक्स नहीं देता, क्योंकि उसकी हालात ही नहीं है, उसकी कमाई नहीं है। तो अगर आप इंटरनेट पर अगर लिखो कि कितना प्रतिशत लोग भारत के अंदर इनकम टैक्स देते हैं, तो आप सुनकर हैरान होंगे, 1-1.5% इनकम टैक्स देते हैं। तो यानी 99% लोग कौन हुए? गरीब। तो ये गरीब की जो लड़ाई है, गरीब की लड़ाई होती है जिसको हम कहते हैं बहुजन की लड़ाई। आज इस देश के अंदर बहुजन, अरे 75 साल इस देश की आज़ादी को हो गए और 75 साल में अभी भी एक व्यक्ति, यानी कितने लोग बेरोज़गार हैं, कितनी महिलाओं के साथ शोषण बलात्कार, कितने लोगों के साथ गलत व्यवहार, आज प्रतिदिन होता, प्रति घंटे होता है। तो ये क्या ये इस भारत का निर्माण किया था हमने? नहीं, हमने भारत का ऐसा निर्माण किया था कि जिस भारत के अंदर हर व्यक्ति अपनी रोटी खाकर रोजगार करके घर, अपना घर बनाकर उसमें रह सके। देखें यूपी के कानून को, तो वहाँ के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो गृह मंत्री भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनका कहना है कि वहाँ पर जो एक भी गुंडे मवाली नहीं है वहाँ पर, ऑलमोस्ट वहाँ की जो कानून व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो प्रमाणित है। आप बोलिए। ये नहीं, ये जो गोली मारी गई है वो बहुत सीधे आदमियों ने मारी है, और वहाँ पर जो रोजाना वो हो रहे हैं औरतों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, दलितों के साथ हो रहे हैं और लोगों के साथ हो रहे हैं, वो जो है वो सीधे लोग कर रहे हैं, बहुत ईमानदार लोग और जो संत पुरुष हैं वो कर रहे हैं, ये लोग गंडे में वाले नहीं है। ये तो योगी जी कहेंगे अपनी सत्ता के लिए, लेकिन सत्ता से बाहर भी जा करके झाँक के देखें ना कि इलाके में हो क्या रहा है। जब उन्हें पता लगेगा, अगर ये आज चंद्रशेखर जी को गोली मारी गई है, यही गोली और किसी लिए और के भी लिए तैयार हो सकती है, लेकिन चंद्रशेखर जी को इसलिए मारी गई है कि वो और नेताओं से इस समय जो है ना आगे निकल रहे हैं, वो संघर्षशील है, शक्तिशाली है, और
और संघर्षशील इतने हैं कि उनका जो संघर्ष है वो इतने ऊँचे आ चुका है कि अब जो है आप देख रहे होंगे लाखों चंद्रशेखर पैदा कर गए हैं वो अपने पीछे। अब ये जितने सारे ही है चंद्रशेखर की उसमें आएंगे रूप में पूरी तरीके से, और सारे मरने मारने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं और अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी आवाज़ को दबने नहीं देंगे और बहुजनों पे कोई अत्याचार जो होगा उसके खिलाफ हर एक जगह आवाज़। सर, क्या कारण रहा है कि उनके ऊपर ऐसे हमला किए गए? ये हमला कारण तो सीधा है, ईर्ष्या नफरत उनसे कि भाई ये आगे निकल रहा है, बहुत ज़्यादा संघर्षशील है, बहुत ज़्यादा उत्साह में है, बहुत ज़्यादा जवान है, नौजवान है, और इसके पीछे जो है ना भीम आर्मी नहीं बहुत लाखों लोग लग गए हैं उसकी रैलियों को देख करके, महारैलियों को देख करके। महारैली आपने देखी नहीं भोपाल में कितनी बड़ी हुई है, देखी नहीं राजस्थान में, देखी नहीं धीरेन्द्र शास्त्री के वहाँ पर वहीं पर जहाँ पर जहाँ किया वो सारी रैलियाँ देख करके, आगरा की रैली नहीं देखी और पटना की रैली नहीं देखी, सब जगह जो है भीम आर्मी बढ़ती जा रही है। बस यही ईर्ष्या है कि भाई इसको जो है आगे ना उठने दिया जाए। आप लोग प्रदर्शन पे उतर आए, क्या कारण, आप लोगों का क्या मांग क्या है? हमारी मांग, सबसे पहली तो मांग ये है कि उनको गिरफ्तार कर करके उनके नाम उजागर किए जाएं। अभी तक यही हेडलाइन आ रही है कि 4 संदिग्ध पकड़े गए और वो कार भी बरामद कर ली, लेकिन असलियत का पता नहीं लगा रहे सवेरे से। दूसरी हमारी ये है कि जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए चंद्रशेखर को और हमारे दूसरे भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, दोनों को जेड प्लस सिक्योरिटी देनी चाहिए। अच्छा, वही हम बात कर रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? चुनाव के लिए, चुनाव में हमारे लोग उतरेंगे और चंद्रशेखर जी भी उतरेंगे चुनाव में उतरेंगे। नहीं, यही कारण तो नहीं रहा उनको गोली और हमला होने का? हाँ, वो कारण तो रहा, पहले योगी जी के खिलाफ एक ही आदमी ने चुनाव लड़ा और वो थे चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर जा करके, और वहाँ पर जितने उनके ऊपर जितने धमकियाँ दी गई और जितने उनके हमले करने की कोशिशें हुई वो सबको याद होगी गोरखपुर में जा करके अभी 22 के इलेक्शन में विधानसभा के। और अब फिर वो उतरेंगे, पूरी तरीके से उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे और जो है ना बहुजन समाज उनका साथ देगा और वो चुन करके आएंगे हर हालत में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लगातार लोग प्रदर्शन पे लगे हैं, तो चलिए क्या करें सर, आप क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग पूरे देश को पता है, लगातार 2 दिन से हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद रावण साहब भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कायराना हरकत उनके साथ हुई है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई है और बहुत कायराना हरकत है, वो हमारे देश के लीडर हैं, उभरते हुए लीडर हैं, तो इनके मतलब पेट में दर्द हो रहा है कि आज एक बहुजन समाज का, एक दलित समाज का लीडर तैयार हो गया है जो पूरे देश के अंदर घूम घूम के अपने बहुजन समाज के लीडरों को तैयार कर रहा है, जो हुक्मरान बनने की बात करता है, जो नेता तैयार करने की बात करता है, क्योंकि इन पार्टियों ने आज तक हमसे सिर्फ वोट लिए, कभी हमारे नेताओं को एक्सेप्ट नहीं किया है। शोषित वंचितों की आज जो आवाज़ को बुलंद करने वाले माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब के साथ जो हमला हुआ है उसके संदर्भ में भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश की तमाम टीम जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रही है, मांग करती है माननीय अमित शाह जी से, जो कि गृहमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मांग करती है, और यूपी के जो CM है योगी आदित्यनाथ जी से, जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द जेल में डालने का काम हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसकी जांच हो कि किसके आदेश पे ये काम किया गया, क्योंकि हम अतीक में अहमद जैसे आपने देखा कि उनको भी गोली मार दी गई, तो कानून कहाँ रहा है? वही यूपी के जो सरकार है योगी आदित्यनाथ वो दावा करते हैं कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर अच्छी होती तो चंद्रशेखर साहब पर गोली थोड़ी चलती, अतीक अहमद को थोड़ी मारा जाता, और जेल में बहुत सारे मतलब पुलिस के सामने गोली मारी जा रही है, जेलों में बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि रोहिणी कोर्ट में गोलियां चली और भी कोर्टों में गोलियां चल रही है, तो ये तो खुला मतलब एक आतंकवाद हो गया ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को रात को 1:30 बजे जला दिया जाता है क्योंकि वो दलित की बेटी है, अगर अपर जाति की बेटी होती तो पूरा देश उसके लिए कैंडल मार्च करता है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चंद्रशेखर साहब जो है हमारे नेता हैं, अगर जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता, अभी तो जंतर मंतर पे हैं हम कुछ ही संख्या के अंदर, हमने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह साहब ने रात को एक ऐलान किया था सोशल मीडिया के माध्यम से हॉस्पिटल के बाहर से सहारनपुर से कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का समय दे रहे हैं, वो 24 घंटे पूरे होने में कुछ ही घंटे जा रहे हैं, अगर कुछ घंटों के अंदर न्याय नहीं हुआ तो पूरे देश के अंदर घेराबंदी करने का भीम आर्मी के लोग काम करेंगे, बहुजन समाज पूरा सड़कों पे होगा, तब जाके इन सरकार
सरकार में बैठे मनुवादी ताकतों को इनके कानों में आवाज़ जाएगी तो पता लगेगा कि हमारी ताकत क्या है। अब ये समझ नहीं रहे ना ताकत क्या है हमारी। वही केंद्रीय सरकार भी दावा करते हैं, वादा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास होता है, तो आपको क्या लगता है इसको लेकर आप क्या कहें? इसमें अपनों का ही विकास है, अपनों का ही साथ है। अभी हमारे पहलवान बहनें बैठी थी, अभी साक्षी मलिक जी वहाँ पहुँची थी, पहलवान हमारी बजरंग भाई भी हमारे पहुँचे थे देखने के लिए। जब हमारे पहलवान बहनों को जो गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं उनको जीतने पे तो शाबाशी देते हैं, जब वो न्याय की बात करते हैं तो उनको यहाँ पे जो है लाठियों से पिटवाया जाता है, उनको अपने पैरों के नीचे जो है रौंदा जाता है। तो जातिगत आधार पर न्याय देने की बात करते हैं, क्योंकि जाति की जाति ही नहीं है पूरे देश के अंदर। आप खुद एक बहन हो, आपके मान सम्मान के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन जिन लोगों को हम वोट देते हैं वही आज हमारे को उन संरक्षक करके हमारी बहनों के साथ रेप करवाया जाता है, मरवाया जाता है हमारे भाइयों को। तो ये बड़ा शर्मनाक है और हम इस सरकार को भी 2024 में उखाड़ने का काम करेंगे पूरी मजबूती के साथ। अगर हम बात करें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? लोकसभा चुनाव के लिए हम यही कहना चाहता है कि ये अभी जो ये घटना हुई है देश के अंदर, ये बहुत निंदनीय है और जनता देख रही है। अब ये चुनाव जो होने वाला है ये मोदी जी के पक्ष में तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जितनी ये निंदनीय घटना है देश में शायद ही किसी की होगी है, और बहुत आक्रोश है बहुजन समाज के लोगों में। तो हम चाहते हैं कि जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। नहीं तो कारण है सर इतना आक्रोश क्यों जता रहे हैं आप? वहीं बात करें हम अगर उनकी, तो उनको तो बस गोली लगकर, मतलब उनसे गोली भिड़कर निकल गई है, उनको ज़्यादा जख्म नहीं हुआ है। शुक्र है अभी हम शांत बैठे हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने हमारे को पीसफुल तरीके से प्रोटेक्ट करने का अधिकार दे रखा है। नहीं तो हम भीमा कोरे गांव भी जानते हैं किस तरीके से 500 माहरों ने 28,000 पेशवाओं की भगदड़ मचाई थी, तो हम वो काम भी करना जानते हैं। इसलिए हम शांत हैं, क्योंकि ऊपर से आदेश है हमें पीसफुल तरीके से अपना जो भी धरना प्रदर्शन है वो करें। नहीं तो हम अलग करना भी कुछ जानते हैं, जरा सा हमारा लाइन खींच के मुकाबला कर लो हमसे, हम बताते हैं कि बहुजनों की ताकत क्या है, हम ये बताना चाहते हैं इनको। बहन एक बार कैमरा घुमाइए, किस तरीके से हमें फोर्स खड़ी कर। हम कैमरा मैन से कहेंगे कि एक बार वो कैमरा घुमाए और दिखाएं पूरे, यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और सब प्रदर्शन पर बहुत ही आक्रोश में दिख रहे हैं लोग यहाँ पे। इतनी मुस्तैदी प्रशासन शासन भीम आर्मी को रोकने में लगा रहा है, अगर इतनी मुस्तैदी उन उग्रवादी बोलूँगा मैं उनको, उग्रवादियों को गोली चलाने में अगर रोक पाता तो आज चंद्रशेखर साहब हमारे लीडर अस्पताल में नहीं होते। वो तो हमारे बहुजन महापुरुषों का आशीर्वाद था, या हमारी लाखों करोड़ों बहनें जिनके लिए न्याय के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनका आशीर्वाद था जो वो बच गए। आपने एक सवाल पूछा भाई से अभी कि उनको छू के निकल गए गोली, तो वो आशीर्वाद था कि हर किसी के लिए वो खड़े होते हैं। तो चंद्रशेखर साहब जल्दी ठीक होंगे, हम उनसे मिल के आए हैं और बहुत जल्द दोबारा से वो फील्ड में होंगे बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, पूरे देश के अंदर फिर दोबारा घूमेंगे। जय भीम। नहीं चंद्रशेखर भाई को जो फ़ोन पे धमकी देते हैं सरकार उनको पकड़े, जो सरेआम धमकी देते रहते हैं भाई को सरेआम, और अपने फ़ोन पे करते रहते हैं, सरकार को चाहिए पुलिस फोर्स को कि उनको पकड़े अरेस्ट करें। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना? ऐसे क्या अब हो गया? पहले चेतावनी देता था भाई को गोली मार दी। हाँ अच्छा, भी सामने आप बताएंगे कि किन किन कारणों से गोली लगा उनको और किन कारणों से उन पे हमला किया गया और कौन कौन किसने किया है? ये किसने किया है जो उसको धमकी देते रहते हैं फोन पे, आए दिन धमकी मिलती रहती है। सरकार को चाहिए ना उन धमकी देने वाले को पकड़े जो आतंकवादी वाला काम करते हुए गोली मार देंगे। सरकार क्या कर रही है, क्या क्या कानून का कार्य चल रहा है? उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को। हाँ तो आप बताएंगे क्या कारण रहा उनके हमला होने का? हमला होने का वो गरीब की बात करता है, और जो मनुवादी है वो चाहता नहीं गरीब राज करे, वो गुलाम बनाए रखना चाहता है। अच्छा ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ के लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं यहाँ लोग, और सारे लोग काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। आप देखते रहिए हमारे साथ जनहित आवाज़, और मैं हूँ आपके साथ आर्या यादव। धन्यवाद।